भी ड्यूटी लगी हुई है पूरा बस। वो हम रथ मित्र लगा हुआ है, अब हमें बिटिया को घुमाने। देखो आ रहा वो अंकल, आलू आलू अंकल। आरू गया अपने मामा के यहाँ। चलो भाई अब हम अकेले रह गए, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो गाड़ी सफाई करनी है अपनी बाइक की। क्या सही मूवी है यार नेटफ्लिक्स के अंदर, बहुत सही मूवी है, अगर देखी नहीं है ना भाई तो देखो। कॉम्बिनेशन भाई अभी जस्ट मैं निकला था भाई के एक बार, तो भाई के थोड़ा सा घेरे मारते हैं, लेकिन भाई यहाँ तो बरसात आ रही है मस्त वाली और हमने बाइक को रख दिया बाहर, तो एटलीस्ट ये थोड़ी सी धुल जाए, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। हम वैसे भी पानी का जुगाड़ ढूंढ रहे थे भाई, कहीं कोई पानी का जुगाड़ मिले तो जिससे कि हम लोग अपनी बाइक को धो सके, लेकिन भगवान ने सुन ली और अपने आप एक अच्छी सी बरसात दे दी, तो गाड़ी धुल जाएगी हमारी। मैं पसीने में ऐसा हालत हो गया ना, बाहर गीला उधर पसीना, भाई साहब क्या बुरा हाल है। तो फिलहाल पसीना सुखाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग पहनेंगे रेनकोट अपना और उसके बाद कल्टी मारेंगे हम लोग थोड़ा सा बाइक। भाई बरसात के अंदर निकल तो लिए भाई, बहुत तेज बरसात है जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल छाती पे लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है ना फ्रंट में ऐसे आके ना बूंदे डॉट 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 सुई चुभ रही है ना, वैसी सिचुएशन है। तो लेकिन भाई मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग बाइक चला रहे हैं इस तरीके के मौसम के अंदर, सही है यार, ये भी अलग फील है यार पूरा। और यार तो पेट दिख रहा है भाई, नीचे कपड़े गीले हुए हैं कि बच गए? ओ भाई सही है, यूवी पूरा बच गया यार ये तो, अभी यही नहीं बाकी चीज़ें होगी, अभी ये तो इधर गया, बस अपने जूते गए सारे के सारे, बाकी काम की चीज़ तो ये भी बहुत है। नहीं बच गया रे यार, यानी केदारनाथ की चीज़ अब काम आ रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको टांग देते हैं यहाँ सूखने के लिए, इसको यहीं सूखने दें। और ये भाई फोन का तो देसी जुगाड़ यही था अपना, इसीलिए इसकी तो जरूरत है नहीं, इसको वाटर प्रूफ की जरूरत है नहीं। चलो भाई इसको सबको यही सीख लेते, अब चलो चलो। है भैया जी, अरे बिल्कुल बाजू के बाजू में हमारा पिज्जा बिल्कुल गर्म है, पे चिली फ्लेकर वो मस्त वाले देना यार, कम पिज्जा आ गया, पिज्जा आ गया, पिज्जा किसी को आना है क्या, आना है क्या, जय बात ये इधर से इधर, अरे यार अरे 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 खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, जे बात हे देखो पहले आके बैठा गाँव बजानी लुटेरे पहले आ गए, कैचअप लाओ कैचअप कैचअप कैचअप, ऊपर चढ़ के मजा कितना आया। ओए तुमने फोटो नहीं लिया, वीडियो नहीं लिया ना मेरे वहां से, हद्दू गए यार, इतना बढ़िया मैं वो इसको वो कर रहा था, तुम लोगों ने दिया नहीं, ये लोग बड़े बड़े बेकार लोग हैं, इतना अच्छा मैं इतना अच्छी पोज दे रहा था ना यार, वो देखे ही नहीं इन लोगों ने। और देखो जुजू भी देख के भौंक रहा था मेरे को थोड़ी देर पहले, जुजू दावत चल रही है आलिया की तरफ आलिया ढंग से खिला बेटा, हाथ से पुण्य मिलता है ये जूजू कह रहा मुझे नहीं खिलाया, तूने गाय को खिलाया, मैं गुस्सा हो गया हूँ। और नीचे और नीचे सारी घड़िया इसको मोनी मोनी तू तो इस पे आ नहीं रहा अब बात जब मोनी देखे जी तो गई जान दे भाई, आज मोनी को शेयर कर। और ये काफी दिन बाद
राजेश जी वो साले मोनी ने हाथ भी छोड़ दिए, राजा हाथ छोड़ दिए, भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे। अभी देखो मोनी क्यों रुका, अभी अभी देखो मोनी की जीन सही है, अभी थोड़ी देर में घुटने से रब होने वाली है और ऐसी मोड़ से शुरुआत होगी। फाइनली हम लोग आ गए भाई जयपुर के ढाबा गली में, या भाई कंटिन्यूसली मैं जो कहता है ना ढाबे 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 सारे के सारे ढाबे, और हम आए किस पे, हनुमान ढाबा। टैगलाइन मस्त लगी पता है, प्रताप नगर का सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध नहीं सुप्रसिद्ध ढाबा हनुमान ढाबा जयपुर। अबे करो करो फटाफट ऑर्डर भाई, पूरा प्रताप भाई क्या भीड़ लगी हुई है यार, भयानक वाली भीड़ लगी हुई है चारों तरफ, और कोई नहीं अबे ऑर्डर करते फटाफट से करो इधर। वाह यार तुम्हें भर भर के दे रहा, और क्या चाहिए तुमको खाने में कतई। देखिए तो शुरू हो गया रायता लेके, रायते का उम्मीदवार एक ही अपने यहाँ किंग, किंग ही रहेगा रायता किंग एक ही है बाल्टी भर के भाई। तो शुरू होते हुए ढाबे ढाबे भैया सारे के सारे, ओ ढाबा गली है, तुम ढाबा गली का एक्सपीरियंस कैसा है भाइयों? हाँ बढ़िया बढ़िया, तो विशेष ऑफर रखे गए 50% डिस्काउंट फुल ऑन, जो भी खाना है खाओ, जो भी लाओ जो भी खाओ खाओ, एक के साथ दो फ्री। भाई ढाबों के ना अनगिनत वाली सिचुएशन है, लंबी वाली लाइन, और यहाँ से यहाँ खत्म हुआ, यहाँ कुछ नॉनवेज शुरू हो गया कि उधर सारे वेजिटेरियन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि ऑगी की गाड़ी को ना XP 95, मैंने एक्चुअली अभी इसके अंदर जो डलवाया था वो XP 95 डलवाया था, तो पच नहीं रहा है, वॉइस में हल्की सी करकराहट आ रही है, तो वही एक चांस लगता है क्योंकि ये सादा या डिफरेंस वैसे आना नहीं चाहिए, XP 95 तो बेटर क्वालिटी है यार, पर ठीक है कोई नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर कुछ आएगी तो फिर देखी जाएगी, और देख लेना यार। अच्छा अभी फंस गई रे भाई।